अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम YouTube देखने वाले मेरे बहन भाइयों का मेरा बहुत दुआ सलाम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो कोई ख़ास नहीं, मुझे आपसे कोई सजेशन लेनी थी, क्योंकि मेरे नेबर में ना एक दरख्त लगा हुआ है, पाइन ट्री लगा हुआ है, ठीक है। और ये पाइन ट्री जो है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कितने लगे हुए हैं ये, ठीक है। तो मुझे ये बताइए जाए कि इसके अंदर कोई नट्स वगैरह भी होते हैं कि नहीं। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आज अर्ली आया था तो मैंने देखा था ये ग्रीन वाले भी यहाँ लगे हुए हैं, ये देखिए हरे हरे भी लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि ये इनसे कुछ निकलता है, कुछ खाने पीने की चीज़ें, डेकोरेशन पीस। तो मैं वैसे मैं गूगल करूँगा इंशाल्लाह और मैं देखूंगा कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, इसके साथ कोई नट्स निकलते हैं कि क्या होता है, वो मैं कोशिश करूँगा कि निकालने की। और बाकी आप लोग सुने आप लोगों के क्या हालचाल है। तो ये जनाब मेरा आज का व्लॉग इस पाइन ट्री के ऊपर है। मैं आज सुबह निकला वॉक के लिए, तो मैं देखा था, मैं अपने घर के अंदर ही ना यार्ड में ही वॉक करने लग गया, अभी मैं बाहर नहीं जाता वॉक के लिए। तो मैंने भी अभी वहाँ गौर किया ना, यार चलगोजे क्या पता इसी में से ना निकलते हों, बाय रोड ना, मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने गौर किया, मैंने फिर सोचता रहा, मैं अभी बाहर आया, मैंने कहा मैं रिकॉर्ड करता हूँ और मैं आप लोगों से इस बारे में सजेशन लेता हूँ कि ये बहुत सारे लगे हुए हैं और ये अगर ज़ाया हो जाए, गिरेंगे ज़ाया हो जाएंगे तो फ़ायदा नहीं है ना। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता है ये क्या चीज़ है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। पाइन ट्रीज, पाइन नट, सॉरी, तो बताइएगा मुझे इस बारे में। और बाकी मैंने बहुत अच्छी अच्छी व्लॉग्स देखे, मैंने तैराबाजी का व्लॉग देखा जिसमें जनाब वो अपना ईते की शॉपिंग दिखा रही थी और अपना नया पर्स देख रही थी और खुश हो रही थी, बड़ी अच्छी लगा। अल्लाह आपको सेहत दे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हुई हैं और आप अपनी चीज़ों को खुशियों से इस्तेमाल करें। और फिर मैंने देखी जनाब मदर इन अमेरिका, वो मैंने बाजी की वीडियो, बहन की वीडियो देखी, बहुत अच्छी वीडियो थी। और उन्होंने जनाब आखिर में डोनट दिखाए जिसने मुझे, मैं डाइट पे हूँ आजकल, डाइट पे तो खैर नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मीठा कम खाऊं। जैसे बुशरा बारी कह रही थी कि फ्रूट जो है वो सबसे अच्छी चीज़ है, तो इसलिए तो डोनट जब मैंने देखे मेरे मुंह में पानी आ गया, मैंने कहा यार क्रिस्पी 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 डोनट्स जो है वो तो हम भी वहाँ रुकेंगे आज, तो हम भी लेके आएंगे और हम भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। और आपकी जो रेसिपीज थी बहुत मज़ेदार थी, आलू की कतले वाली, आलू की भुजिया वैसे भी मेरी बहुत फेवरेट है, कीमा भी आपने बहुत अच्छा बनाया। और आपकी जो चॉपर था ना मुझे बड़ा अच्छा लगा, और आपका जिसमें आप वो ऑरेंज जूस बना रही थी वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहरहाल शेयर किया आपने, अच्छा दिखाया मुझे वो, आपने जो वाटर वाला लिया था उसके ऊपर सालन की जगह बनी हुई थी, मेरे पास भी वो है, बड़ा हैंडी टूल है, बड़ा ज़बरदस्त है वो चीज़। मैंने अभी तक उसको इस्तेमाल तो नहीं किया मगर मैंने भी लेके रखा हुआ है वो, असल मुझे मेरे दोस्त ने वो गिफ्ट किया था। और बाकी ये है कि मेरे तमाम देखने वालों को बहुत दुआ सलाम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश रहिए और मुझे इस पाइन नट्स के बारे में बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और अब मैं कुछ ज़्यादा ही एहतियात करने लग गया हूँ, मैं बाहर अब नहीं निकलूँगा ज़्यादा कोरोना की वजह से, शायद दो हफ्ते में मेरा काम भी खुल जाए, क्योंकि मुझे मेरे बॉस मैनेजर की कॉल आई थी एक दो दिन में, शायद एक दो हफ्ते में शायद मुझे वापस बुला लें काम पर। तो ऐसे ही अल्लाह करे हमारी तरफ लॉकडाउन खुले और हम काम पे वापस जाएं, और अल्लाह मियाँ महफूज रखे हम सब लोगों को जो आफत निकली हुई है कोरोना वाली। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के देखने का, बहुत शुक्रिया। फिरोज़ की वीडियो मैंने देखी, उसका जो पार्सल, उसने जो उसका वो पार्सल लेने के लिए गया और जुम्मे की नमाज़ उसने पढ़ी, सबको मेरी तरह से जुम्मा मुबारक अगेन, और मैं भूल गया सॉरी। तो जुम्मा मुबारक सब बहन भाइयों को। और फिरोज़ की वीडियो मैंने देखी, उसका गांव भी देखा, घर भी बहुत अच्छा है, सिंपल लाइफ स्टाइल है, बड़ा हेल्थी होता है वो चीज़, बहुत हेल्थी है, ठीक है ना। और हम लोग जितना मॉडर्न में हम जा रहे हैं उतनी हम अपनी लग्जरीज को भूलते जा रहे हैं और अपनी सहूलतों को देखते, सहूलतें जो है ना वो हमें आदतें ख़राब करने के लिए होती हैं, ठीक है ना। तो उनमें ज़्यादा फ़ायदा था, घड़े में पानी, ठंडा पानी होता था, ठंडी जगहों पर रहना, दरख्त लगाना, हरियाली ज़्यादा होना। और आज हमारे पास बहुत अच्छी बारिश हुई है जनाब, अभी ये बारिश के बाद ये धूप निकली हुई है, देखिए बादल आसमान बिल्कुल साफ़ है,
और मैं वो दिखाता हूँ। बहुत तेज़ बारिश थी आज और उसके बाद जनाब सब दख्त वगैरह धुल गए, पौधों घास को पानी लग गया बहुत अच्छा, और ये बच्चों ने पूल उल्टा किया था पूल में भी पानी थोड़ा सा भर गया, इसको भी निकालना पड़ेगा अभी, ये भी अनदर ड्रामा, एक अनदर इशू। चले हर रोज़ एक नया चीज़ होती है देखने के लिए। चले यार, आप सब देखने वाले मेरे बहन भाइयों को बहुत दुआ सलाम, खुश रहिए, अच्छे से दिन की दिन गुजारिए, अल्लाह में सबको सेहत दे, और अल्लाह ने जो सब कुछ जो नेमतें दी अल्लाह में सब इन्जॉय करें मेरे बहन भाई, और अपना खुशियों में दुआ में याद रखें, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे कभी 80 हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी तो अल्लाह करे कि मेरे थोड़ा आई वांट टू बी मूव टुवर्ड प्रोग्रेसिव मोड। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।